अवर सुबह एक्सप्रेस न्यूज कल अमर पहले तो आपको मुबारक हो माशाल्लाह यू डिड वेरी गुड जॉब और जो एक्सपेक्टेशन थी आप उस पर पूरा उतरे और जैसा कि जाहिर है कि आपने भी देखा सबने देखा कि आप एक तनकीद के एक दौर से गुजरे लेकिन उसके बावजूद भी आपने अपने हिसाब को कंट्रोल में रखा और आपने अपने बल्ले से साबित किया कि तनकीद भी इस तरह से नहीं होती। एनीवे तो ओवरऑल कैसे देखते हैं आप लीग को और दूसरा ये कि मैंने शाम से भी क्वेश्चन किया था कि रवि लीग में आपने देखा कि यंगस्टर्स के जो थ्री परफॉर्मेंस चाहे बॉलिंग हो या बैटिंग हो ओवरऑल क्या आप देखते हैं कि वो पाकिस्तान के लिए आगे चल के कुछ असिस्ट बन सकते हैं। थैंक यू। देखिए जो आपने पहला सवाल किया उसमें तो तनकीद तो हर टाइम आप किसी भी स्टेज में आप फेस करते हैं और मैं इन चीज़ों पे बोदर करता नहीं ना देखता हूँ। देखिए मेरा काम है खेलना और मैं ग्राउंड में जितना भी है जो मेरी एबिलिटी है वो मैं शो कराता हूँ और मुझे किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं ना मैं करता हूँ और कोशिश होती है कि ऑन द डे जो है वो अपना बेस्ट पॉसिबल दूँ और इन्जॉय करूँ। मेन चीज़ ये है कि इन्जॉय करूँ और क्रिकेट को इन्जॉय करूँ। मैंने किस तरह मैच जितवाने हैं किस तरह मैंने परफॉर्म करना है वो मेरे हाथ में, मेरे हाथ में ये जो बाहर वाली चीज़ें वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मैं ना उसको अपने जो एक सर्कल में वो लाता हूँ। हर एक की अपनी ओपिनियन है और हर एक का अपना सोचने का तरीका है, लेकिन कोशिश करता हूँ कि इन चीज़ों से दूर हूँ क्योंकि मुझे इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे मेरी अपनी गेम का पता है और मैं कोशिश करता हूँ कि उसको डे बाई डे जो है वो अच्छा और इम्प्रूव करता रहूँ और मेरा काम है परफॉर्म करना। और देखें ओवरऑल जिस तरह आपने बात की PSL में हर बारी हर सीज़न में हमें कुछ ना कुछ टैलेंट मिला है। आप किसी भी आप पांच जितनी भी टीमें हैं उसमें जो उनके मर्जिंग या कोई भी उनका यंगस्टर है वो परफॉर्म अच्छा कर रहा है, वो अच्छी डिवेलप हो रही है, वो पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा है। जैसे आप यंगस्टर आपके इर्द गिर्द हों या कोई भी टीम उनको चांस देती है तो वो अवेल करते हैं तो वो एक आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कि वो आपको एक नज़र आता है यार ये बैट्समैन आगे जाके बन सकता है या ये बॉलर या ये जो फास्ट बॉलर स्पिनर जो भी है तो ये आके आपको वो पाकिस्तान में सर्व कर सकता है तो आप उस पर इन्वेस्ट करते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी जो हैं वो यंगस्टर हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है तो इंशाल्लाह विश हिम गुड लक फ्यूचर के लिए कि वैसे ही अच्छा कंटिन्यू जो है वो परफॉर्म करें। वालेकुम अस्सलाम। दो सवाल है, मैंने तीन महीने से पीएसएल के मैच कवर किए, कजाफी में कलंदर के खिलाफ पिशावर का मैच था, बाबर बाबर के नारे लग रहे थे, पिंडी में इस्लामाबाद के अगेंस्ट आपका मैच, इस्लामाबाद में सपोर्ट नहीं थी आपके लिए नारे लग रहे थे, कराची में भी आपके लिए क्राउड चेयर करता, तो ये चीज आपको कितना एतमाद देती है, कितना हौसला देती है, आपके अजायम को कितना और बुलंद कर देती है, एक ये सवाल। दूसरा आपका एक अपना अंदाज है खेलने का और जब आपके साथ साइम अय्यूब जो बिल्कुल एग्रेशन में खेल रहे होते तो वो उनका साथ पार्टनरशिप में आप कितना कंफर्टेबल फील करते हैं कि उनका एक स्टाइल है उनके स्टाइल में रहते हैं आपका जो अपना स्टाइल है उससे आप कितने कंफर्टेबल हो जाते हैं। देखिए जिस तरह आपने पहला क्वेश्चन किया देखें ये एक्सप्लेन नहीं मैं कर सकता, मेरे लिए एक प्राउड मोमेंट होता है कि मैं एज अ यंगस्टर ये चीज़ देखता था कि स्टेडियम में आप जब कोई टीम के मैचेस होते थे तो उस दौरान जब चेयर अप मिलती थी तो एक बाहर बैठे उस दौरान मुझे बहुत एक कहते हैं ना कि नई चीज़ थी मेरे लिए, लेकिन अब एज अ प्लेयर आप खेल रहे हैं और आपको वो लोग चेयर अप करते हैं और बैक करते हैं और आपका नाम लेते हैं तो वो मेरे लिए एक गोल्डन मेमोरीज है। मैं कभी ऐसा सोचा नहीं था कि लोग इतना जो है वो सपोर्ट करते रहेंगे, ये नहीं कि ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड भी जिधर भी जाते हैं तो लोग प्यार दिखाते हैं प्यार शो करवाते हैं तो ये उनका जो है वो प्यार प्यार हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि उनके चेहरों पर खुशियाँ लाने की कोशिश करता हूँ परफॉर्मेंस दे के और मैचेस जीत के और कोशिश करता हूँ कि हर बंदे को सेटिस्फाई किया जाए, लेकिन मुश्किल होता है कि कभी कभार आप हर बंदे को पिक्चर या हर बंदे को मिल नहीं सकते तो वो कभी कभार नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन कोशिश करता हूँ कि हर एक के साथ अच्छे तरीके से मिला जाए। दूसरा सवाल देखें सैम का खेलने का डिफरेंट तरीका है, मेरा खेलने का डिफरेंट तरीका, लेकिन हमारा जो प्लान यही होता है कि हमने फर्स्ट सिक्स ओवर कैसे खेलने हैं और कैसे
जो है वो डोमिनेट करना है, और जितने भी मैचेस हमने खेले हैं हमने कोशिश की है कि डोमिनेट किया जाए। देखें कभी कभार ऑन द डे कभी मेरी अच्छी शॉट्स लग रही होती हैं, सैम थोड़ा स्ट्रगल करता है, अगर सैम की अच्छी शॉट लग रही होती है तो मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो हम कम्युनिकेशन करते हैं कि अगर आपकी लग रही है तो हम कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा खेले, वो ज़्यादा बॉल फेस करे। जिस तरह अब पाकिस्तान में ये होता था कि या फ़खर जब खेलता था तो मेरे पे प्रेशर नहीं होता था, या किसी की भी प्लेयर पे प्रेशर होता है, क्योंकि हमें पता था कि वो एक साइड पे वो प्रेशर डाल ही रखेगा दूसरी टीम पे, उनके चक्करों में हमें भी रन मिलते रहेंगे। तो ये चीज़ सैम की है, वो प्लस पॉइंट है मेरे लिए, और काफ़ी अच्छा लगता है एज अ यंगस्टर जब वो आपके साथ खेल रहा है और वो दूसरी टीम पे डोमिनेट कर रहा है, बॉलर्स को बैकफुट पे कर रहा है, और जो हमने एक प्लान किया होता है कि हमने फर्स्ट 6 ओवर में इतना करना है, अगर उससे हम हेड भी चल जाएँ तो हम कोशिश करते हैं कि उसको स्टॉप ना किया जाए, क्योंकि मोमेंटम की गेम होती है, जितने भी T20 में मोमेंटम अगर आप कैरी ऑन करते हैं तो वो आप फिर जो आपने टोटल जो है वो एक टारगेट किया होता है तो उसको आप अचीव करते हैं, तो उसी को हम लेके चलते हैं कि जो रेस्ट ऑफ द प्लेयर आने वाले हों उसके लिए ईजी रहे। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, पिछले कुछ 6-7 महीने इतना ज्यादा इजी नहीं रहे, खासतौर पे एशिया कप, वर्ल्ड कप, एंड PSL बिकेम अ प्लेटफॉर्म वेयर यू आपको मौका मिला फिर से अपने आप को वो करने का। तो पर्सनली PSL में रन्स करना और पेशावर को ट्रॉफी जिताना पर्सनली आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, स्पेशली एज एन ओपनर आप खेल रहे हैं वंस अगेन आफ्टर इन द ऑन द मंडाउन पोजीशन इन द पाकिस्तान टीम, तो उस पे रन करना कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट। और सेकंडली आपने यंगस्टर्स की बात की कि बहुत निकलते हैं, तो इनको कितनी जल्दी आपके एक्सपीरियंस आप बताएंगे कितनी जल्दी इनको सिस्टम के अंदर या नेशनल टीम की तरफ ले जाना चाहिए या कितना इनको टाइम देना चाहिए डेवलप होने के। देखें जहाँ जहाँ तक आपने बात की, मेरे लिए बड़ा प्रेशर था, या एज अ ओपनर मैं अगर खेल रहा हूँ तो मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरे पे किसी चीज़ का प्रेशर नहीं है और ना मैं इस चीज़ पे लेता हूँ। टीम डिमांडिंग थी उस टाइम, लेकिन जो देखें मैंने कोई भी चीज़ की थी वो पाकिस्तान के लिए की थी, अगर मेरे से इंडिविजुअल पूछा जाता तो मैं उस चीज़ के लिए सेटिस्फाई नहीं था कि मैं वन डाउन खेलूँ, और लेकिन पाकिस्तान के लिए जो था वो मैंने किया। और देखें जिस आपने बात की है कि मैं इन चीज़ों पे प्रेशर या उस पे मैं कभी इस चीज़ पे होता नहीं है मुझे प्रेशर, और कोशिश करता हूँ कि अपनी गेम को और जो मेरी सर्कल है उस पे रहूँ। और देखें यंगस्टर जितने भी हैं उनको पहले तो ये है कि आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा प्लेयर आपको फ्यूचर में अच्छा जो है वो पाकिस्तान के लिए परफॉर्म कर पाएगा, और उसके लिए आपको देखें ये मेरा काम नहीं है, ये जो है वो कोचिज़ या कोई भी PCB हैं वो आइडेंटिफाई करें कि हम इन प्लेयरों को उठाते हैं, उनको NC में लेके जाते हैं, उनकी फ़िटनेस पे उनकी स्किल्स पे काम करें, ये नहीं कि हम ये करते हैं हम स्टेट अवे उधर बड़े ऊपर लेवल पे इंटरनेशनल पे लाते हैं, तो वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि इंटरनेशनल और दूसरी क्रिकेट में बहुत फ़र्क है, उधर प्रेशर हैंडल करना, बाकी चीज़ों को हैंडल करना वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो आती है एक्सपीरियंस के साथ, जितना आप उनको क्रिकेट खिलाएंगे जितना वो अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो उनको वो चीज़ डेवलप होते होते जब वो आप पाकिस्तान खेलते हैं तो उनके लिए चीज़ें इजी होंगी। मेरे ख्याल से कोई ऐसे भी आउटस्टैंडिंग टैलेंट भी होता है कि वो आपको लगता है कि यार स्टेट वे डोमिनेट करेगा, तो वो एक डिफरेंट वो एक डिफरेंट प्लेयर होता है, वो एक डिफरेंट टैलेंट होता है कि वो उसको आप कहते हैं इसको स्टेट वे उस चीज़ में डालो, तो ये एक हर बंदे की नज़र होती है कि कौन सा प्लेयर